अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू. सो फाइनली आई एम बैक टू माय वर्क प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक लिटरली इट्स मोर देन अ मंथ नाउ. सो या अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक, अल्हम्दुलिल्लाह. सो अभी जो है ना, मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या बात करूँ पहले. और धूप इतनी तेज़ है, लाइक आज वेदर फिर कुछ बेहतर है. लाइक इट्स मॉर्निंग टाइम अराउंड 8 o'clock और अभी जो है वो धूप सही से निकली नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाली धूप भी बहुत तेज़ है. सो इसलिए मैं अंदर चलती हूँ रूम में और वहाँ जाके सारी बातें करते हैं. सो लेट्स गो. और मैं अपनी वर्क प्लेस को भी इतना मिस कर रही थी, आज आखिर मैं आपसे मिलने ही लगी हूँ. लेट्स सी. काफ़ी ज़्यादा मेस है. लास्ट टाइम तो मैं काफ़ी कुछ करके गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टेक्सचर्स बना के गई थी और बस क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. अगर आप लोगों ने लास्ट वाला व्लॉग देखा हो, मेरा वर्किंग व्लॉग देखा हो, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि मैंने कितना काम किया था. उस व्लॉग के आई थिंक 3 parts थे या 4 parts थे और उस दिन मैंने वीडियोज़ भी बनाई, व्लॉग भी बनाया, शेप्स मेकिंग भी की एंड एवरीथिंग. सो इतना टाइम लग गया था उसमें और मैं इतना थक गई थी कि बाकी क्लीनिंग का मेरे पास टाइम नहीं बचा था. खैर, इस बारे में करेंगे बाद में बात. अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि why I was away from my channel. As you guys already know, most of you already know ke I was on my honeymoon trip, alhamdulillah, and it went so good, alhamdulillah a million times, and it was the best experience of my life, alhamdulillah. So agar aap logon ne wo vlog, maine I think 2 vlog beach ke vlogs dale the, shayad aap logon ne dekhe ho. सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी देर बाद अपनी वर्क प्लेस पर आऊँगी. लाइक हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट लाइक 10 days का ट्रिप था और हम बिल्कुल रमज़ान आई थिंक लास्ट रोज़ था तब हम यहाँ से गए थे और ईद हमारी बाहर गुजरी. फिर आफ्टर 10 days हमारी फ़्लाइट थी रिटर्न की और हम पाकिस्तान आए. लेकिन उसके बाद एक तो सफ़र की इतनी ज़्यादा थकावट थी, इट वॉज सो लाइक वी वर सो टायर्ड. सो हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया. लाइक मैं लिटरली अपने घर जो है वो अभी इस मंडे आई हूँ. लाइक टुडे इज़ फ्राइडे और मैं घर मिलने मंडे को आई हूँ और मंडे के बाद मैं आज अपनी वर्क प्लेस पर आ रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है. आप लोगों को पता होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, लाहौर में भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जो है वो दिन के टाइम मेरा नहीं ख्याल कि मैं यहाँ पर आके कोई काम कर सकती हूँ, इतना मुश्किल है. और अभी भी सुबह का टाइम है लेकिन अच्छी खासी गर्मी है. और आज तो मैंने तय किया हुआ था कि नहीं, इंशाल्लाह आज तो लाजमी मैंने अपनी वर्क प्लेस पर जाना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं वापस चली जाऊँ और मैं एक व्लॉग तक ना आप लोगों के लिए बना कर जाऊँ. लाइक ये तो फिर बहुत गलत बात होगी. और मैं जानती हूँ कि मैंने अपने चैनल को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया है, लाइक मेरा इरादा नहीं था, लेकिन लिटरली मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेज़ी आप लोग कह सकते हैं, बट ये काम जो है ना वो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के करना पड़ता है. और अगर आपकी ऑलरेडी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है और आपके पास नहीं टाइम, तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है. मेरे लिए स्पेशली अब ये काफ़ी मुश्किल हो गया, लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे जब जब मौका मिले मैं आऊँ, काम करूँ, वीडियोस बनाऊँ. इंशाल्लाह अब इतना लंबा ब्रेक नहीं आएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट के अब जो है वो ये मंथ का ब्रेक जो है ना वो ना ही आए मेरे चैनल पे. ऑलरेडी व्यूज़ बहुत डाउन हो चुके हैं और मैं ख़ुद भी अपने चैनल के बारे में बहुत ज़्यादा लाइक मुझे फ़िक्र होती है कि यार इस चैनल को ग्रो करना चाहिए, लेकिन ये उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहा. सो इंशाल्लाह मैं अब कंसिस्टेंट रहूँगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं हर दफ़ा कहती हूँ बट नहीं रह पाती, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करूँगी. और आप लोगों में से जिन जिन ने मुझे लाइक मैसेजेस की लाइक कमेंट्स मुझे यूट्यूब पर आए और कुछ DMs भी आए थे, लेकिन इतने ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि लोग शायद मुझे मिस करें, बट आई डोंट नो उतने लोगों ने शायद मिस नहीं किया क्योंकि आई नो देयर आर सो मैनी अदर चैनल्स और जो कि कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं और आप लोग इतने ज़्यादा लाइक फील नहीं होता ना कि कोई गायब है.
सो आई टोटली एग्री विद दैट, लेकिन मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए कि वेयर आर यू, वी मिस यू. उसमें मुझे कुछ नाम याद है, मैं अभी अभी देख कर आई थी, लेकिन मुझे लगता है फिर मेरे दिमाग से निकल गए हैं. उसमें आई थिंक आई एस सिद्दीकी का नेम था, और उसके अलावा मैं नाम देख के आप सबको बताती हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स एप्पल, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, शी कमेंटेड लाइक शी मिस माय वीडियोस, एंड देन आई एस सिद्दीकी, देन मोइज़ आफ्ताब, मरियम खान, फाइनेस, एंड द लास्ट वन वाज आफ्ताब शामी. या यही कमेंट्स मेरे सामने भी आए. सो मैंने कहा कि मैंने इनके नाम लाजमी लेने हैं, क्योंकि और तो मतलब इतने सब्सक्राइबर्स के मुझे नहीं आए, लेकिन इन्होंने स्पेशली मेरी वीडियो पर आकर मुझे रिमाइंड करवाया कि दैट दे मिस माय व्लॉग्स एंड दे मिस माय वीडियोस एंड दे मिस मी. सो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों के नाम लाजमी आज व्लॉग में लूँ. सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर मिसिंग माई वीडियोज़, फॉर शोइंग द लव, और जिन्होंने कॉमेंट्स नहीं किए, नहीं बताया, लेकिन फिर भी स्टिल दे मिस मी. सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मुझे याद रखा, और एक मंथ के लिए गायब होना इट्स अ वेरी बिग डील. सो खैर, आप लोगों ने मुझे याद किया, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड इंशाल्लाह मैं अब अपने चैनल पे इतना लंबा गैप नहीं लाऊंगी. और डू लेट मी नो इफ़ यू वर वन ऑफ देम हु मिस मी इन दिस होल टाइम. सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के भी नाम लूंगी. और बातें अब आई थिंक काफ़ी हो गई हैं, बट मैंने आज सोचा था कि आज मैं वीडियोस बनाऊंगी. अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ टेक्सचर्स आर ड्राई, लाइक दिस वन, दिस इज़ माय रिवर सैंड टेक्सचर. या दिस वन इज़ प्योर सैंड सीमेंट, दिस वन इज़ चॉकलेट ब्राउन टेक्सचर, रेड विद येलो कॉन्क्रीट, वाइट स्टोनी सैंड सीमेंट, दिस वन इज़ वाइट ग्रेनी सैंड सीमेंट, एंड देन दैट वन इज़ प्योर डर्ट. यस, प्योर डर्ट, रेड डर्ट, दैट वन इज़ ऑल्सो रेड डर्ट, स्टोन्स एक्सेट्रा. ओके, सो अभी मैं जस्ट एक छोटा सा व्लॉग बनाने आई थी कि आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि वाई आई वॉज मिसिंग, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई हूँ. मैंने एक दो दिन में चले जाना है वापस. सो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझसे फिर आया गया तो मैं फिर आके कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, काम करूँ इन दिनों में. लेकिन इतनी गर्मी है, लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मुझसे तो काम नहीं होता इतनी गर्मी में. और हेड्स ऑफ टू दोज ASMR आर्टिस्ट जो इतना हैवी वर्क कर रही हैं, लाइक माशाल्लाह अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग सो हार्ड वर्क. लाइक मैं इतने ज़्यादा व्लॉग्स वीडियोस नहीं देख पाती, लेकिन मैं जितनी देखती हूँ मैं लाजमी उनको कमेंट करके अप्रिशिएट करती हूँ, और उनकी वीडियोस देखती हूँ, पूरी देखती हूँ. सो मुझे तो लाइक उनकी तो लाइक दाद देनी पड़ेगी कि वो इतना हैवी वर्क, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपसे मांगता है. और आप देख सकते हैं कि हवा चल रही है आज कुछ बाहर, लेकिन फिर भी वेदर जो है ना बहुत गर्म है. खैर, बहुत बातें हो गई, अब जो है ना वो थोड़ी सी क्रम्बलिंग की तरफ आते हैं. व्लॉग के अंदर थोड़ी सी तो क्रम्बलिंग करें, और मैंने अपने टेक्सचर्स को पूरे एक महीने से ज़्यादा हाथ तक नहीं लगाया, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हाथों की हालत इतनी अच्छी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह के. लेकिन मुझे ना यहाँ पे कुछ मसला हुआ है अपने हाथों में, लाइक मुझे ना ये कुछ एलर्जी सी हो जाती है. ये मैंने चेक नहीं करवाई, लेकिन ये मुझे कुछ एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा, लाइक कुछ डेज में ये एलर्जी मुझे शुरू हो जाती है हाथों के इन साइड्स पर. खैर, अब मैं अपने टेक्सचर्स को हाथ लगाऊँ, इतनी देर हो गई है मैंने अपने टेक्सचर्स को हाथ नहीं लगाया. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड आई थिंक ये बहुत सॉफ्ट होगा, और मेरे फ्लैश ऑन है. ये टेक्सचर इतना सॉफ्ट बना है, मैंने इसमें इंटेंशनली लास्ट टाइम कम पानी डाला था कि ये हार्ड ना हो, लेकिन ये सुपर सॉफ्ट बन गया. सो इसकी आई थिंक व्लॉग में ही क्रम्बलिंग होगी.
माशाल्लाह द टेक्सचर इज़ सुपर डस्टी और इतना मज़ा आ रहा है इतनी देर बाद अपने टेक्सचर्स को हाथ लगा के. लिटरली आई कॉन्ट टेल यू गाइज हाउ मच आई लव दिस थिंग. और हाँ आई जस्ट हिट 7K सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट टू 7K. और इंशाल्लाह सेलिब्रेशन वीडियो भी आएगी. आई विल ट्राई कि कोई अच्छी सी सेलिब्रेशन वीडियो फिल्म करूँ. वैसे तो मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई बट आई विल ट्राई कि कोई अच्छी सी सेलिब्रेशन वीडियो बन जाए. सो या थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. और मैं इंशाल्लाह और मेहनत करूँगी ताकि आप लोगों को और अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ. सो क्योंकि ये मेरा वेलकम ब्लॉग है, लाइक आई एम बैक टू माई वर्क प्लेस. सो इस व्लॉग में मैं सब टेक्सचर्स की जो भी मैंने प्रिपेयर किए हैं उनकी एक एक शेप लाजमी क्रम्बल करूँगी और उसके बाद फिर मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि मुझे नाश्ता करना है. सो फिर मैं नाश्ता करने चले जाऊँगी और फिर शायद दोबारा आके कोई व्लॉग या वीडियो बनाऊँ. सो इस व्लॉग में तो मैं लाजमी क्रम्बलिंग कर कर जाऊँ. बहुत मज़े का टेक्सचर है. सो दिस इज प्योर सैंड सीमेंट. सुपर सॉफ्ट एंड सुपर डस्टी. इन टेक्सचर्स की भी आज आई थिंक सुन ही लेते हैं. इतना अर्सा हो गया इनकी कोई वीडियो नहीं बनी. ये टेक्सचर पता नहीं कितने अर्से से ड्राई हो रहा है. एनीवे लेट्स
कम हेयर, दिस इज माई चॉकलेट ब्राउन टेक्सचर. दैट्स ऑल फॉर दिस टेक्स्चर, क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनानी है इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्रश नहीं करी. लेट्स कम हेयर, दिस इज माई स्टोनी वाइट सैंड सीमेंट. सुपर डस्टी अल्हम्दुलिल्लाह. इसके अलावा लेट्स कम हेयर, दिस इज प्योर डर्ट. आई थिंक दिस वन, यस दिस वन इज प्योर डर्ट, नॉट ग्रिटी वन. थोड़ी सी हार्ड, लाइक नॉट हार्ड, इट्स काइंड ऑफ स्नैपी. सो इसको मैं दोनों हाथों से क्रश करूँगी. और अब जो है वो इस टेक्सचर के पास आते हैं. अभी ये बहुत ही रैंडम सा मैंने व्लॉग बनाया है जिसमें मैं चाह रही हूँ कि सब टेक्सचर्स की क्रम्बलिंग कर दूँ आप लोगों के लिए. लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक और व्लॉग बनाऊँगी और उसमें मैं डिफरेंट क्रम्बलिंग्स करूँगी. सो ये भी प्योर डर्ट है जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है. दिस इज़ माई अनदर टेक्स्चर जो को मैं यहाँ पर क्रम्बल करने वाली थी. चेक करें मेरे काम, ये मेरा एक दूसरा टेक्स्चर है जो कि इसका पार्ट है. सो इसे यहीं पर क्रम्बल करते हैं. ये टेक्सचर भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लाइक बहुत ज़्यादा फेवरेट टेक्सचर है. और इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी शेप्स बना कर गई थी लास्ट टाइम ताकि मैं जब आऊँ तो इसको एटलीस्ट क्रश तो कर सकूँ. और ये मैंने थोड़ा सा माउंटेन टाइप बनाया है जिसकी हम डिगिंग करेंगे बिकॉज सम ऑफ यू रियली लाइक डिगिंग इंक्लूडिंग मी. सो ये प्योर डर्ट है जो कि दूसरे टेक्स्चर के साथ थोड़ी मिक्स हो रही है, बट इट्स ओके. प्योर डर्ट नहीं, प्योर सीमेंट. मेरे काम देखें, ये तो बहुत ही हार्ड हो गया. इसको तो प्रॉपरली फॉर्म करना पड़ेगा जिसके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है. होपफुली जल्दी इसका भी कुछ करूँगी.
ओके आई थिंक मैंने काफ़ी टेक्सचर्स क्रम्बल कर लिए हैं और मुझे बहुत गर्मी लग रही है. सो अभी जो है वो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी. इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी. अगर मुझसे आज बन सका तो आज बनाऊँगी, वरना कल वीकेंड पर. और आप लोग बताएं आप सब कैसे हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं और क्या मसरूफियात हैं. जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग. और हाँ, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है जो कि शायद किसी को कोई गेस कर ले कि वो क्या सरप्राइज़ है. आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा और वो सरप्राइज़ मैं नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी इंशाल्लाह. सो मेरी वर्क प्लेस से रिलेटेड ही है, लाइक नॉट वर्क प्लेस से, चलो हिंट दे देती हूँ, टेक्सचर्स से रिलेटेड है. ओके सो देयर इज़ अ सरप्राइज़, सो यू गाइस हैव टू गेस व्हाट इट इज़. और मैं इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग. टेक केयर गाइज, इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. देखती हूँ कि अभी नया व्लॉग बनाती हूँ या नहीं. आई एम नॉट प्रोमिसिंग एनी थिंग क्योंकि मैं अभी ये व्लॉग एंड करके नीचे चली जाऊँगी, नाश्ता वगैरह करूँगी, उसके बाद देखूँगी अगर हिम्मत हुई और वेदर लाइक इस तरह का हुआ कि मैं ऊपर आके कुछ काम कर सकूँ. सो इंशाल्लाह आऊँगी और वीडियोस भी बनाऊँगी और व्लॉग्स भी बनाऊँगी इंशाल्लाह. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. टेक केयर गाइज, आई मिस यू ऑल सो मच. सो मस्ट वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड. और अगर आप लोगों ने ये व्लॉग एंड तक देखा है तो मुझे लाजमी बताइएगा. सो या टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.